हेलो एंड वेलकम टू SOL रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट। ये हमारा फिफ्थ वीडियो है वीकली Q&A का, जिसके अंदर जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम आंसर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिए हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि एनुअल मोड स्टूडेंट्स के होने वाले हैं। अगर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अगर आप एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये ओपन बुक एग्जामिनेशन देने हैं, जो कि 7 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, एनुअल मोड स्टूडेंट्स कौन है? जिनका एडमिशन 2018 में हुआ है या उसके पहले हुआ है, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं एनुअल मोड के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका एडमिशन 2019 में हुआ है या 2020 में हुआ है, तो आप सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ किए जाएंगे, इसके अलावा थर्ड ईयर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब होगा, और इसके अलावा जो रोल नंबर है वो कब आएगा। तो देखिए, जो आपके एडमिट कार्ड की अगर बात करें, तो एडमिट कार्ड जनरली आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 4-5 दिन पहले रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो 7 जून से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 या 3 जून को आपके एडमिट कार्ड जो है रिलीज़ कर दिए जाएंगे। आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसी के अंदर रोल नंबर भी इंक्लूडेड होगा, उसमें एग्ज़ाम रोल नंबर मेंशन होगा। तो एग्ज़ाम रोल नंबर तभी आएगा आपका जब एडमिट कार्ड आएगा। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे, तो रजिस्ट्रेशन जो OB वाले रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होंगे आपके एडमिट कार्ड आने के बाद। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा, उसी दिन से या उसके नेक्स्ट डे से आपका रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एडमिट कार्ड का वेट करें, एडमिट कार्ड आने के बाद ही सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर एनुअल मोड, मेरे सेकेंड ईयर का इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जो सेकेंड ईयर का इंप्रूवमेंट का फॉर्म है उसकी लास्ट डेट मोस्ट प्रोबेबली निकल चुकी है, मेरे हिसाब से तो निकल चुकी है, लेकिन एक बार आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में चेक कर लें, अगर वहाँ पे अभी भी लिंक आ रहा है इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करने का, तो आप फिल कर सकते हैं। हालांकि अभी मेरे हिसाब से जो आपकी लास्ट डेट है वो निकल चुकी है। ठीक है, तो आप एक बार जो अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसको चेक करें कि वहाँ पर लिंक जो है शो हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, स्टडी मटेरियल कब मिलेगा थर्ड ईयर का? तो देखिए, थर्ड ईयर का जो स्टडी मटेरियल है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, अब जो आपको, अगर आप नहीं ले पाए थर्ड ईयर का स्टडी मटेरियल, तो अब आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलने वाला। 7 जून से तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले, तो आप ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या जो मार्केट में 10 ईयर वगैरह आती है उनको परचेज कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो हार्ड कॉपी जो है वो अब जिसको मिल गई है उसको मिल गई, अब कोई हार्ड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एनुअल मोड, कुड यू प्लीज़ कन्फर्म द प्रोसीजर ऑफ OBE, OBE कैसे देना है? तो देखिए, इसके ऊपर मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि फ्रंट सीट पे क्या लिखना है, उसकी सब्सिक्वेंट सीट पे क्या लिखना है, OBE पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, आंसर शीट्स कैसे अपलोड करनी है। तो एक काम करूँगा, मैं एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ओपन बुक एग्जाम करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको इस तरह की सारी जो भी आपकी क्वेरीज हैं सबके ऊपर अलग सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने समझाया हुआ डिटेल में कि किस तरह से OBE एग्जाम जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड ईयर और बैक स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आपका 4-5 दिन पहले आएगा, मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा अभी तक नहीं कंफर्म बताना कि जो एडमिट कार्ड है, कंफर्म इतना ही बता सकते हैं कि जो एडमिट कार्ड जो है 4-5 दिन पहले आपका आ जाएगा, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा OBE के पोर्टल पर, उसके बाद जो है आपके एग्जाम्स आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट जो है वो होंगे या नहीं होंगे? तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मॉक टेस्ट का हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन मॉक टेस्ट देना जो है कंपलसरी नहीं होता। आपकी इच्छा तो आप दे सकते हैं, ना इच्छा हो तो आप स्किप भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में मेरा ER था, तो उसका पेपर अभी होगा या फाइनल ईयर के साथ होगा या बाद में होगा? तो देखिए, अगर आपके फर्स्ट ईयर के किसी सब्जेक्ट में ER था, तो दिक्कत क्या हुई है कि फर्स्ट ईयर में मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपका ER था और सेकंड ईयर में आपके ले लिए गए असाइनमेंट, और उस टाइम आपको कहा गया था कि जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है ये आपको जो जिसमें बैक पेपर है आपका जिसमें ER आया वो आपको देना होगा थर्ड ईयर के साथ। ठीक है, तो आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फर्स्ट ईयर के ER की जो फीस है वो आपने सेकेंड ईयर में फिल कर दी थी, तो आपको थर्ड ईयर में कोई अलग से फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके थर्ड ईयर के एडमिट कार्ड में ऑटोमेटिकली जो ये फर्स्ट ईयर वाला ER का सब्जेक्ट है वो ऐड हुआ मिलेगा आपको, और थर्ड ईयर के साथ ही वो एग्ज़ाम आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे सारे जो एनुअल मोड के स्टूडेंट्स से ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग। अगर आपका कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगा। इसके अलावा छोटे मोटे डाउट स्टूडेंट्स के और है कि फ्रंट सीट पर क्या लिखना है, उसके बाद जो सेकेंड सीट आती है उस पर क्या लिखना है,
जो हम आंसर शीट अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में कर सकते हैं या इमेज में भी कर सकते हैं। तो देखिए, आप आंसर शीट जब आप अपलोड करते हैं तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और इमेज में भी कर सकते हैं, इमेज यानी जेपीईजी फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ बना रहे हैं तो आप जितने भी आपके, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका 5 पेजेस में आया, तो 5 पेजेस की एक सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे। और अगर आप सीधा इमेज अपलोड कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए आपके 6 क्वेश्चन आए तो 6 कॉलम यहाँ पे बने होंगे। मान लीजिए आपने आंसर नंबर 1 किया है, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर किया है आपने, तो वहाँ पे आप फर्स्ट इमेज फाइल अपलोड करेंगे तो आपका फर्स्ट पेज हो गया। और उसी के बाद नीचे एक और ऑप्शन आएगा ऐड फाइल का, तो आपको जो 5 पेजेस में आपने आंसर किए हैं आपको 5 पेजेस की फाइल्स जो है अलग से ऐड वहाँ पे कर देनी है, ठीक है। यानी 5 पेज जो है वहाँ पे अलग अलग अपलोड करने हैं सेम क्वेश्चन के आगे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है फ्रंट सीट के ऊपर क्या लिखना है, सेकंड सीट के ऊपर क्या लिखना है, किस तरह से अपलोड वगैरह करना है। तो आप, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ओपन बुक एग्जाम वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके वो सारी वीडियोज जो है वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब ले लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस। पहला तो ये कि हमारे एग्जाम्स जो हैं ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, तो ऑनलाइन होंगे 99.9%, ठीक है। अब 0.1% के चांस से ऑफलाइन हो जाए, लेकिन निल चांस है, आप मान के चले अप्रोक्सीमेटली 100% चांस है कि आपके एग्जामिनेशन जो भी अभी होने वाले हैं वो ऑनलाइन ही हो गए, ऑफलाइन एग्जाम का अभी कोई यहाँ पे चांस नहीं है। फिर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कब हो गए, और फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम, मैंने पहले आपको बताया कि अभी जो कैलेंडर आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे 29 जुलाई से, ठीक है। तो 29 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, 5-7 दिन का आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ कोई फेरबदल नहीं होगा। 29 जुलाई से आपके एग्जाम होंगे। फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस कब होगी। तो एग्जामिनेशन फॉर्म जनरली फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद आता है, लेकिन इस बार रिजल्ट हो सकता है काफ़ी लेट हो, इसलिए मोस्ट प्रोबली चांस यही है कि आपके एग्जाम फॉर्म जो है रिजल्ट के पहले ही आ जाए। जो ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग जून के अंदर जो है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, तो जून का आप वेट कर सकते हैं। जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म आएंगे ऑफकोर्स आपको वीडियो मिलेगी चैनल के ऊपर। फिर एक क्लासेस का भी स्टार्ट होंगी, तो क्लासेस का भी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस जो है जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर के कब होगा बीए प्रो साइंस ऑनर्स का। तो 29 जुलाई से मैंने बता दिया आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की बुक कब मिलेगी, तो देखिए बुक का भी कुछ कन्फर्म कह नहीं सकते। जैसे कि आपको पता है पैंडेमिक के कारण जो आपका एसएल का सेंटर है, जो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए अभी क्लोज कर दिए गए हैं, तो सेंटर अब कब खुलेंगे, खुलेंगे उसके बाद ही आपको बुक्स मिलेंगी। तो इसका अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता कि कब आपको बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। अभी आप फिलहाल जो ऑनलाइन में जो वेबसाइट है एसएल की, उसके ऊपर जो सॉफ्ट कॉपीज है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आए एनवायरमेंटल साइंस इन फर्स्ट सेमेस्टर। अब सेकंड सेमेस्टर में एनवायरनमेंट मिलेगा कोई और सब्जेक्ट मिलेगा। देखिए अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरनमेंट है यानी ईवीएस है, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा कोई ना कोई कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट, ठीक है। अभी कम्युनिकेशन में आप हिंदी कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं या फिर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से आपको एक चूज़ करना होगा, वो आप देख सकते हैं। हालांकि जो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो सर्च करेंगे सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट्स एसओएल रिपोर्टर तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप फोर्थ सेमेस्टर में तो आप लिखेंगे फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट एसओएल रिपोर्टर, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें मैंने डिटेल से ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स कब मिलेंगी, एग्जाम की कन्फर्म डेट बता दो। कन्फर्म डेट तो मैं खुद नहीं बता सकता आपको, जो भी अभी अप्रॉक्सीमेट डेट है वो 29 जुलाई है, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी बुक्स वगैरह जो है अभी कुछ कन्फर्म कह नहीं सकता, जब तक सेंटर्स खुलते नहीं है जब तक बुक्स मिलने की कोई भी चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड सेम की ऑनलाइन क्लासेस कब वो स्टार्ट होंगी, कंफर्म डेट कोई नहीं है लेकिन 1-2 वीक के अंदर आपकी स्टार्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम जुलाई में होंगे तो बुक्स कब मिलेंगी और ऑनलाइन क्लासेस कब होगी। तो ऑनलाइन क्लासेस तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 1 महीने के आसपास चलती हैं, तो जून में भी स्टार्ट होंगी तो आपके एग्जाम के काफ़ी पहले जो है क्लासेस ओवर हो जाएंगी। तो जून मिड में भी स्टार्ट होंगी तो भी आपकी 15 जुलाई तक आराम से क्लासेस हो जाएंगी, तो आपकी क्लासेस की कोई टेंशन नहीं है, आपको 1-2 वीक के अंदर क्लासेस आपके स्टार्ट हो सकती हैं। बुक्स का जैसे मैंने बताया अभी कुछ कंफर्म कह नहीं सकते। तो ये सारे थे सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस। जो भी आपकी क्वेरी अगर कोई रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट व्हेन वी विल गेट फुल स्टडी मटेरियल फॉर फोर्थ सेमेस्टर एज वेल, कैन यू शेयर सम लिंक्स फॉर बुक्स पीडीएफ।
देखिए, जो फोर्थ सेमेस्टर का जो हार्ड कॉपी है वो तो अभी कुछ कंफर्म कह नहीं सकते कब मिलेगा, जब एसओएल का सेंटर खुलेगा जब भी कुछ इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक किसी प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कैसे डाउनलोड करना है, आप सर्च करेंगे एसओएल सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल हाउ टू डाउनलोड, या फिर हाउ टू डाउनलोड एसओएल सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल एसओएल रिपोर्टर, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ किस तरह से आपको वेबसाइट पे जो बुक्स हैं उनके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट के लिए अभी काफ़ी टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। जून में बहुत मुश्किल है आपका रिजल्ट आए, आप अप्रोक्सीमेटली मान के चले जुलाई में ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके पहले रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट है, फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म कब आएगा? तो जनरली थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आता है, लेकिन इस बार रिजल्ट लेट आएगा, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आने के पहले ही आपका फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म जो है फिल करवा लिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चले जून के एंड होते होते जून के अंदर ही आपका फॉर्म जो है वो निकल जाएंगे रजिस्ट्रेशन वाले। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है फोर्थ सेमेस्टर के। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि हमारे जो एग्ज़ाम होंगे वो OBE होंगे यानी ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे, या फिर ABE होंगे यानी असाइनमेंट बेस्ड एग्ज़ाम होंगे। तो वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ मैं, अभी इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अगर आप SOL के स्टूडेंट्स हैं या फिर, ठीक है, तो आपके लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन कन्फर्म नहीं है। अगर आप NC वेब और रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है असाइनमेंट बेस पे लिए जाएंगे, लेकिन SOL के लिए अभी आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा। तो आप वेट कर सकते हैं नोटिफिकेशन का, जब भी नोटिफिकेशन आएगी डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, अगर आपका कोई और क्वेरी है फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग, या आप सेकेंड सेमेस्टर या एनुअल मोड किसी के भी रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और एनुअल मोड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ओपन बुक एग्जाम से रिलेटेड, इसके अंदर सारी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, जो भी आपके काम की वीडियो है, जैसे जो भी OBE गाइडलाइंस की वीडियो है, डेट शीट की वीडियो है, फ्रंट शीट पे क्या लिखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर की हुई हैं। तो इस प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर करें और इसके अंदर जो भी आपकी क्वेरीज है उनका समाधान पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, फिर भी आपका अगर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसके साथ इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें एसओएल से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।